हे भगवान, अब तो मेरी शादी हो गई। शादी से पहले तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे, सबसे मिलने जाती थी, घूमने जाती थी, लेकिन अब मैं कैसे जाऊं? हे भगवान, आप कुछ ऐसा कर दो जिससे कि मेरे सारे फ्रेंड्स लोग मेरे घर पर ही आ जाया करें। आप ऐसा करो, मेरे पति को अंधा कर दो। जे रानी, हमारी रोज रोज सवेरे नहाए धोए के पूजा करन जाते हैं, कितो बढ़िया काम करते हैं। रोज सवेरे पूजा करन जाते हैं, आज तो हम देखे चले कि जब किनकेले पूजा करते और पूजा में का का मांगते भगवान से, आज हम देखे चले के ऐसो करे चुप्पा चुप्पा देखे चले, जो हमें जब देखू ना पाए तो का करे, हाओ मंदिर के पीछे दुख जाइए मूर्ति के, हम जा देखो नहीं पे, और हम चाहे देख ली और सुनौ ली जा किन के लिए पूजा पत करते काका मांगत है, चलो ऐसे ही करते। अब हमको इससे पहले मंदिर पहुंचना होगा, चलो। हे भगवान, मैं कितने दिन से आपकी पूजा कर रही हूँ और आपने अभी तक मेरी नहीं सुनी। हे भगवान, आप मेरी सुनो, मेरे पति को अंधा कर दो। जा हमें अंधो करो चाहते, ऐसी कौन सी वजह जो जा हमें अंधो करो चाहते, पता करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करें। चलो आगे आइडिया। हे बालके, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, तेरी इच्छा पूरी होगी, मैं जैसे कहूं वैसा ही तू करती जा और तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। बताओ प्रभु, मुझे क्या करना है? तुम आज से अपने पति की सेवा करना स्टार्ट कर दो, खूब सेवा करो। जब आप सेवा करोगी तो आपका पति अंधा हो जाएगा, ये हमारा वरदान है। जो आ गया, मैं ऐसा ही करूंगी आज से। काय रानी, अब तो आज कसके गए भैया तुम्हारी किस्म, तुमने पहले कबों इतनी सेवा वाई नहीं करी, तुम बड़ा प्यारी लग रही आज, लेकिन कछु हमें आंखें ते दुल दुलो सो महसूस हो रहो, कम कम सो दिखाई दे लगो, समझ में नहीं आ रही का बात है, कछु कम दिखाई दे लगो हमें आंखें ते। हे भगवान, अब तो असर हो रहा है कुछ। अब देख, तेरी हम सब नस नस चलाए दिए हैं, अब समझ पाए हम
हमें अंधे करवे के चक्कर में आती जा, अब तो हम अंधे बनवे की एक्टिंग करें और जगी पूरी सच्चाई जान के रहे जा, काय के लिए हमें अंधो करो चाहती। हेलो, कहाँ हो? अरे मैंने आपसे बोला था मेवा के लिए, अभी तक आई नहीं। अरे जल्दी भेजो, पता है असर हो रहा है, अंधे हो रहे हैं ये, और ये बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। मैं आप सभी को अपने घर पर बुला लिया करूँगी। कैसी लग रही है आज की ये खीर? मैंने बहुत प्यार से बनाई है ये खीर आपके लिए। अरे प्यारी, खीर तो बड़ा स्वादिष्ट है, अब मेरा पेट भी भर गया। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? प्यारी तुम कहाँ हो? मुझे दिखना बंद हो गया, मुझे दिख नहीं रहा है। तुम कहाँ हो? मुझे तो बिल्कुल भी दिखना बंद हो गया। हे परमात्मा, ये क्या हो गया, मुझे तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ओहो, अब तो असर हो गया, अब आएंगे आनंद। हेलो, अरे कहाँ हो? अरे आ जाओ आप, वो तो अंधे हो गए, आ जाइए जल्दी घर पे। जे बात आती तभी हमें जा अंधो करो चाहती, जा अपने यार दो तंते नहीं मिल पाती, जय चक्कर में हमें जा अंधो करो चाहती। अब जाके यार दोत देख ले कितने। का करें का करें, ऐसे कैसे काम चले? मेरी तो छाती पे हो रहा बुझ रहे और हम कछु नहीं कर पाए रहे, का करें? अब कल देखते इन्हें सबे हम देखे ससन्न को ऐसा सबक सिखाए कि जे कबू काउत मिलन नहीं जाए। चल कल देखते। प्यारी, क्या है? अब तुम ऐसो करो, हमें आंखें ते तो दिखाई दे तो नहीं है, अब हम कछु काम धाम के ना ही रहे हैं। अब तुम ऐसो करो, खटिया हमारी जब द्वारे पे डाल देवो और एक बढ़िया सो लंबो सो खूब दमदार मोटो डंडा छांट के हमें दे देव बिलायती बमूर को, सो कछु नहीं तो जे कुत्ता बिल्ली तऊ रखाए रहे हैं तुम्हारो कछु, मतलब तुम्हारी हेल्प हो ये कछु, तुम हमें जल्दी से खटिया बिछा दे हमारे लिए और बढ़िया से डंडा दे दो, बस फिर तुम्हारा आराम से नो टेंशन हो कि परो जान काम करो जान जो कछु करो आराम से रहो, हम रखवारी कुत्ता बिल्ली की करे रहे हैं। ठीक है। जे आए तो हिम में तो घसे हैं और घसे हैं तो पसरऊ रहे एक ही में हिम पे, आंधे अब इंतजार करो। ओह आए तो रहो है जू, कैसे उल तो बहुत चलो आ रहो, आजा आजा आज तो तुम हम बताते हैं, आजा 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 आजा।
कहाँ कर रहो जी, अब हूं नहीं करो, इतनी देर हुई है हूं नहीं करो, कहा कर रहो जल्दी नहीं करो, आए रहो कहाँ है डंडा। कैसे कुत्ता तू, लड़ी 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 कैसे कुत्ता तू, जाने तो कायू नहीं करी, एक ही टाइम में दम सीना जाएगी रो, आज कल के कुत्तनों में कतई दम रही ना है, एक ही सोटा पसरियो। अरे प्यारी हाँ, अरे जू कुत्ता जाए मैं डारे आने के जी, अबे सड़ जाए बदबू बदबू दिए जाने के फेंके आऊ मैं फेंके आओ। हे भगवान, इन्होंने क्या किया, मेरे फ्रेंड को कुत्ता समझ के मार दिया। चलो मैं इसे अंदर करती हूँ पहले। एक दप्पा साथ दो बू आए तो ये बू चिकन वालो आए रहो ये वे जाकी तो सारे की नौकरी टूट दी हम आन दे जो मालूम तो पर रो जू चलो आ रहो आ जा लला मम्मू तुम आ जा तो घंटी ऐठ दे हम आ जा ऐसो करे इन्हे भीतर ना को समझे ही गिरा ले आज इन्हें आओ 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 चले आ चले आ चले आ चले आ ए अरे प्यारी हाँ अरे आ जू जे कुत्ता मतलब इन्हें रोज को नियम बनाए लो जू आज फिर आई हो जने कायू तो नहीं करी हो जू दम सीना गिरो जने को ठाक साइड में कहते बिते और उन्हें लंब फेंके ये तलैया में बदबू दिया सड़े जा जू मतलब दम सीना ये कहीं दाए में जाए गिरो हमने रपटे आगे लाठी दही जाके अब पता नहीं कहाँ लगी लेकिन जू गिरे ये कहीं दाए में कहो जा क्यों नहीं भाई। हे भगवान, आज इन्होंने फिर मेरे दूसरे फ्रेंड को कुत्ता समझ के मार दिया, अब क्या करूं मैं। चलो इसकी भी लाश को मैं अंदर लेती हूं, अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। धरे रा अबे का ओए जो तीसरो फिर आइयो आ जा मम्मू तुम्हें हूं देखते हैं आ जा चले आ चले आ चले आ चले आ चले आ अरे प्यारी हाँ अरे जे कुत्ता बड़ा परेशान करे जे मतलब आज जो फिर चलो और फिर जो दम मत जाए गिरो जने ना चे करी ना पे करी और जो मतलब अबे तो बदबू छोड़न लगो जने जल्दी फेंक गया मैं जो बदबू छोड़ रहा पूरी मर पाओ नहीं हो हाल ही सड़ी हो एक ही टाइम हमें लगे जगह निकरी यही ढीली हो गई एक ही लठ में दम ना है आज के कुत्तन में कहता ही फेंकिया जाए फेंकिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, अब तो किसी को पता चल गया तो जेल हो जाएगी, आज मेरे तीसरे फ्रेंड को भी मार दिया इन्होंने कुत्ता समझ के। इन तीनों लाशों का कुछ करती हूँ, इनका कुछ इंतजाम करती हूँ मैं। जय भोले की, जय भोले की। बहन कुछ आटा वाटा लेके आओ, आज सोमवार है। जय भोले की। अरे बाबा इधर आओ जल्दी आओ। बेटी क्या बात है। अच्छा ये बताओ आप पूरे दिन में कितना कमा लेते हो। बेटी बस ऐसे 2-4 किलो आटा हो जाता है, पेट पूजा हो जाती है। महाराज जी मेरा बस 20 मिनट का काम है, अगर वो आपने कर दिया तो मैं आपको 1,000 रुपये दूंगी। 1,000? ये तो मेरे 1 महीने का खाना चलेगा। बताओ बताओ बेटी ऐसा कौन सा काम है। महाराज जी इस बोरे में एक लाश है, इसे आप जमुना जी में फेंकाओ और किसी को पता ना चले गांव में,
बस इतनी सी बात, निकालो कहाँ है लाश, अभी फेंक के आते हैं। लाओ अब मेरे 1000 रुपए दे दो, लाश को मैं फेंक के आ गया। अरे बाबा आप कहाँ फेंक के आए हो, देखो ये फिर दोबारा लाश यहीं पर आ गई। दोबारा आ गई? हाँ। निकालो मैं और दूर फेंक के आता हूँ। हाँ थोड़ी दूर फेंक के आना। ठीक है। लाओ बेटी अब हमारे 1000 रुपए दे दो, लाश को तो हम फेंक के आ गए। अरे बाबा आप कहाँ फेंक के आते हो लाश को, देखो ये फिर दोबारा आ गई। अब की बार इसे जमुना जी के बीच पानी में फेंक के आना। अच्छा निकालो तो लाश को, अब की बार इतनी भीतर फेंक के आएंगे, ये क्या इसके परवाह भी निकाल नहीं पाएंगे। बेटी अब तो हमारे 1000 रुपए दे दो, अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया। ठीक है बाबा ये लो अपने पैसे। ठीक है। अब तो जाओ सबक सिखाए वो जरूरी है। जा सोचा तो एक हम अंधे हैं और हम तो सब देख रहे थे। कायरानी जे बाबा को तुमने 1000 रुपया काहे के ले दाए? इनको तो दिखाई नहीं देता था, इनको कैसे पता चला कि मैंने बाबा को 1000 रुपए दिए हैं? अच्छा मतलब क्या सोच रही है हम अंधे तो अंधे दिखाई दे रहे हम? तू मंदिर में रोज हमारे अंधे की प्रार्थना करती थी और भगवान ने ऐसा करता उसे तूने हमें खूब मलाई खवाई, खूब खीर पूरी खवाई, सो हमें जवाब दिखाने लगो पहले के। हमें तो जानो चाहते कि तू हमें काय के लिए अंधो कर रही है, करो चाह रही है। हमने सब देख लो है, ये लाओ लठिया। तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। तूने उन तीनों को मरवा दिया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो मर जाऊंगी। आज के बाद ऐसा करेगी? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मैं तुमसे हाथ छोड़ के तुम्हारे पैर छूती हूँ, मुझे हाथ छोड़ दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी।